माशाल्लाह, जब जब इस जगह को देखता हूँ ना, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है मुझे कसम से। पर जब यहाँ नजर पड़ती है तो मेरी हालत हो जाती है, क्या करूँ। ये मेरे कपड़े हैं भाई, जल्द दूंगा यार। चलो भाई, आज इनको जो है खाना डालें। सबसे पहले तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं लोगों का खाना कैसे डालता हूँ वो मैंने बोला आज आप लोगों को दिखाऊँ वीडियो में, आप देखें। और आज का जो मेन काम है हमारा वो ये है कि तीतरों के लिए मिट्टी लाना बाहर से और इनको पिंजरे में छोड़ना, और फिर इनको नहाते हुए देखेंगे कि कैसे लग रहे हैं। बहुत खूबसूरत लगता है, मैंने तो देखा है, बाकी आप लोगों को भी आज मैं अपने साथ दिखाता हूँ। खैर, चलें इनका पहले दाना पानी खाना कर दें, अलग अलग करके खिलाना पड़ता है। हाँ, दे रहा हूँ, रुक जाओ। मादा जो है बड़ी होशियार होती है ये। हाँ, देता हूँ मिट्टी। चलो जल्दी जल्दी पियो, पूरा करो ताकि उसको भी पिलाऊँ, बेचारा बैठी हुई है। चलो भाई, आखिर इनकी बारी आई गई। मादा का सर अब तो सेट लग रहा है मुझे, काफ़ी देखें दोस्तों, काफ़ी सेटिंग में आ गया है सर इसके। वो जो हल्दी और तेल लगाया था उससे काफ़ी सेटिंग में आया हुआ है। इनको अब साथ छोड़ना है, पिंजरे के चक्कर में लगा हूँ। भाई बोलने में पिंजरा ला के दूंगा, उसमें तुम आराम से साथ छोड़ देना, ताकि फिर फिक्र भी नहीं होगी, ताकि ये पैर वेयर जोड़ वोड़ लगाएं अपना, तो फिर इनको आसानी होती है। अभी तो दोनों अलग अलग बंदे हैं, अभी वो क्या करें। अरे भाई, सारा पानी गिरा दिया, क्या कर दिया ये देखो, सारे का सारा पानी गिरवा दिया। कुछ मेरा हाथ भी लग गया, कुछ इन्होंने भी पूरी कर दी। ये लो। और सबसे पहले इनको कर देता हूँ मैं बंद, उसके बाद बताता हूँ आपको, बल्कि बाहर लेके चलता हूँ कि आज हम क्या करेंगे, ठीक है। पहले बाहर चलते हैं। तो दोस्तों, दरअसल बात यूँ है कि काफ़ी दिनों से ना हमारे जो तीतर हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, तो उनको मैं मिट्टी डेली डालता हूँ। तो मैंने आज सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊँ उन्हें मिट्टी डाल के, कि किस तरीके से वो नहाते हैं और कितने प्यारे लगते हैं। देख रहे थे अभी भी पंजे मार रहे थे, उन्हें सिर्फ मिट्टी चाहिए नहाने के लिए। चलो फिर अपना बोलो। खाली प्लाट पे जो है ये मिट्टी पड़ी हुई थी, ये मिट्टी आप लोगों को याद होगी हारिस वालों के जानवर की मिट्टी है। खैर, तो काम आ जाएगी, वैसे भी साफ सुथरी मिट्टी नहीं मिलती है। मिट्टी उठा लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, मिट्टी हमने ले ली है, बहुत ज्यादा ही तादाद में ले ली है, वैसे इससे कम ही यूज में आएगी। बस चलते हैं अब घर, उनको डालते हैं पिंजरे में नए, और उधर डालते हैं मिट्टी, और फिर देखते हैं उनका नहाना कैसे नहा रहे हैं। तुम लोगों को भी डाल दो थोड़ी थोड़ी मिट्टी है, इसी से इंशाल्लाह इनको बहुत जल्द बाहर खोलूंगा। मेरा बहुत मूड है, और हाँ, मैं जब भी बोलता हूँ इन्हें बीच में बोलना ज़रूरी होता है काले खान को, हमेशा के लिए। फिर चलें जल्दी से मिट्टी डालते हैं और उनको नहलाते हैं, और देखते हैं कि वो कितना खुश होते हैं, कितना एंजॉयमेंट करते हैं। आ जाए सबसे पहले तो, हाँ तुम बोल लो, सबसे पहले दोस्तों मिट्टी डाल देते हैं, उसके बाद उन्हें लाके तरीके से छोड़ेंगे। मिट्टी काफ़ी हल्की हल्की गर्म हो रही है, क्योंकि धूप से लाया हूँ तो थोड़ी वो हो रही है। बाद में मैं इसकी सफाई कर दूँगा यहीं पर। ये ले भाई, पूरी की पूरी मिट्टी बिछा दी है तरीके से, और इतनी मिट्टी मेरे हिसाब से मैक्सिमम इनके लिए काफ़ी रहनी चाहिए। अब इनको लाते हैं। चलो भाई आ जाओ। चलो, जगह काफ़ी छोटी पड़ती है मुझे कसम से, बहुत छोटी पड़ती है। आप लोग दुआ करो मैं जल्द से जल्द ये सेटअप ना छत पे कर दूँ सारे का सारा तरीके से। रिसोर्सेज हों थोड़े, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट हो जाएगी मैं इंशाल्लाह बहुत कुछ करूँ। चलो भाई, अब एक एक करके इनको खोल के अंदर डालते हैं। एक तो बहुत घबराते हैं ये, अब खोलते हैं मादा को। वैसे एक बारीक सी गलती ना इनको उड़ा सकती है किसी और की, मैं बहुत केयर करके कर रहा हूँ और मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं इसको पकड़ के रखता हूँ। चाहो तो मैं ऐसे भी छोड़ दूंगी अंदर चले, पर नहीं, ज़रा सी भी हमें केयरलेस नहीं दिखाना बिल्कुल भी, कहीं भी कहीं भी हमने करा और चीज़ आपकी चली गई। चलो मादा, अब आपकी बारी है। हाँ, चलो देखें, खुद ही जाएगी नर के पीछे। देखा, माशाल्लाह नहा लिए। देखें दोस्तों कितने प्यारे लग रहे हैं, ये करते हैं। मादा काफ़ी टाइम जैसे लगा नहाना चाह रही थी, क्योंकि ये देखें माशाल्लाह, मादा ने फौरन फैलाई है।
आखिरकार मादा ने घुसते ही शुरुआत कर दी और बड़ी तेजी से शुरुआत करी है। आप लोग देखिए नहाते हुए कितने प्यारे लग रहे हो। ये बहुत ज्यादा डरपोक होते हैं यार, कसम से दोस्तों मैं आप लोग क्या बताऊं। अभी मैं जरा सा सिर्फ उठा हूं, मैं ऐसे उठ के बैठा हूं, मैंने अपनी पोजीशन चेंज करी है, दोनों चल गए नहाते हुए और उसके बाद फिर दो मिनट के लिए खड़े रहे। मतलब बहुत डरने वाला होता है ये जानवर। पहले मिट्टी तो डाल दी है, बहुत खुश भी नजर आ रही है। अब दोस्तों हम एक काम करते हैं कि बाजरा उठा के थोड़ा सा इनको बाजरा डाल देता हूँ ताकि नहाने के जरिए ये इसी जरिए खा भी लें और इसके अंदर भी ये लोचे मार रहे हैं, कुछ ना कुछ खाने को खा रहे हैं। क्योंकि ये देखें इन्होंने इस पिंजरे में जो दाना था वो भी नहीं खाया, सारे का सारा बाजरा ऐसे ही पड़ा बिल्कुल खाली। मतलब बाजरे पे बहुत कम मुँह मार रहे हैं तो ऐसे तो नहीं चलेगा, तो इनको लाजमी बाजरा डाल देता हूँ ताकि ये खाएं पिएं और हेल्दी होंगे तो अच्छे होंगे। हाँ पानी यानी दूँ? हाँ भाई इनको पानी डालना है और जब तक मैं इन सारों को भी खाना पानी डाल के आप लोगों से मिलता हूँ फ्री होके, और फिर इन्हें देखते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचते हैं नहाने में। ठीक है दोस्तों आ जाए इनको खाना पानी डाल दूँ पहले। यार इसके गेट का ये ना बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, ये देखें ज़्यादा थोड़ा सा और कटेगा ये, उनको निकाल के बाद में सेटिंग करूँगा। भाई कौन कहता है गर्मी नहीं है, मैं इनको खोल के दो मिनट के लिए सिर्फ बाहर गया हूँ, बाबा के साथ एक काम से गया था और यकीन मानो वापसी आया हूँ मेरा सर तप रहा है गर्मी से। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अपनी रहमत दे। फिर तो भाई तुम लोग नहा लिए, कब तक नहाते रहोगे, और भी नहाना है, हैं खुश होना आज तो। हाँ माशाल्लाह खुश हैं ये दोनों के दोनों, और इनको देख के ये देखो ये भी नहाना शुरू कर दिए इन्होंने भी, देखना भी देखना पाँव मारेगा ये, ये समझ रहा है कि हमारे को मिट्टी दी हुई है और मैं आराम से नहाऊँ। मारो जल्दी मारो पाँव, अभी तो मार रहे थे। आ जाओ, इनकी अभी अभी सुबह हुई है। चलो वो देखो काला खान खुला हुआ है, काला खान का शान वो देखो काट लेगा। वैसे आप लोग बताएं काला खान इसके जितना तो होगा खड़े होने के बाद, काला खान आराम से इनके जितना है, क्योंकि ये तो खुद इतने छोटे से हैं, ये देखें कितने से हैं ये आप लोगों के सामने, ये देखें क्या साइज है इनका, यहाँ से शुरू है कोई यहाँ पे ख़त्म है, काला खान भी इतना ही है। तो चलो मैं काला खान की बीवी और उसको उधर करता हूँ, फिर बाहर निकलते हैं हम, क्योंकि ये उनसे पिट्टी खा सकते हैं ना, आपको तो बहुत बहुत ऐचो ऐचो काट लेगा वो यूं करके। चलो एक दिन हुआ है काले खान को छोड़े हुए मुर्गी के साथ, माशाल्लाह काफ़ी सेट हो गया है वो, माशाल्लाह माशाल्लाह। कल आपके सामने छोड़ा था, अभी काफ़ी सेटिंग में आ गए हैं, मुर्गी भी उससे सेट हो गई है। और दोस्तों इनका ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को तीतर जो है नहाते हुए कैसे लगे, अच्छे लगे या नहीं, और माशाल्लाह देखें खुश हैं या नहीं। और मैंने सही करा ना इनके साथ कि इनकी जगह बना दी है, इनको डेली इधर खोल दिया करेंगे और रात में बंद कर दिया करेंगे इनको अपने ड्राइंग रूम में आराम से कमरे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे, तो अगर मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। आला खान आ रहा है, चलो भागो वो आ रहा है करीब, मुझे लग रहा है इस पे हमला करने आ रहा है। चलो 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 अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ।